स्वास्थ्य विभाग की ओर से हर घर तिरंगा अभियान की जानकारी छात्रों को देते हुए 13 से 15 अगस्त तक सभी नगर वासियों ने अपने घरों के ऊपर ध्वजारोहण करना चाहिए, जो कि एक स्वाभिमान देश के प्रति प्रेम निष्ठा प्रकट करता है। इसलिए हर घर तिरंगा अभियान केंद्र शासन की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश में चलाया जा रहा है, जिसके चलते सभी देशवासियों ने अपने घरों पर तिरंगा ध्वज लहराना चाहिए। वही पुलिस निरीक्षक ने इस मौके पर हरिहर विद्यालय के छात्रों से बातचीत करते हुए पुलिस विभाग का कर्तव्य इस विषय पर जानकारी देते हुए पुलिस विभाग का कार्य किस तरह से किया जाता है इसकी विस्तृत जानकारी छात्रों से साझा की, जिसमें छात्रों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाना चाहिए जबकि आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। वहीं छात्रों को अगर कामयाबी हासिल करना है तो पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई लिखाई से ही कामयाबी हासिल की जा सकती है। वहीं बड़े पदों पर विराजमान होने का मौका मिलता है, इसलिए अपना कर्तव्य करते हुए वह प्रामाणिकता से किया जाए तभी कामयाबी हासिल होती है। इस तरह की बात पुलिस निरीक्षक राहुल सोनवाने ने बच्चों से की। बुधवार की दोपहर पारशिवनी पुलिस स्टेशन पारशिवनी में छात्रों को पुलिस विभाग के बारे में जानकारी दी, जहाँ हरिहर विद्यालय के शिक्षक प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित थे। पारशिवनी से बीसीएन न्यूज के लिए संवाददाता रूपेश खंडारे की रिपोर्ट।